क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को कीजिए प्रेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स इंशाल्लाह प्रूफ के साथ देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। सो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, फैमिली के साथ वक्त बिताइए, ऐसे काम और बात ना करिए जिससे बाद में परेशानी हो सकता है। और खास करके दुआ करते हैं कि शैतान से बचाए रखें। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और एक बार अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप परदेश में हैं या फिर सऊदी अरब के अंदर हैं और काम करते हैं, एक अच्छा सा जॉब है, सो उस जॉब के रिगार्डिंग यानी उस काम के रिगार्डिंग कि आपका जो इकामा है वो कौन सा प्रोफेशनल के अंदर में है और आपका जो प्रोफेशन है उसके तहत क्या एग्ज़ाम होगा। सो हाउ टू चेक इकामा प्रोफेशनल टेस्ट एलिजिबिलिटी एंड प्रोफेशनल वेरिफिकेशन सिस्टम इन सऊदी अरेबिया। सो इसी तरह भी बोल सकते हैं कि चेक इकामा योर प्रोफेशन और सऊदी वर्कर एग्जाम। सो लाइक दैट आज इसके ऊपर ही हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाहुल अजीज। तो सऊदी प्रोफेशनल वर्कर एग्जामिनेशन प्रोग्राम के तहत ये जानकारी हम देना चाहते हैं कि किस तरह इस इम्तिहान में पास होना चाहिए इंशाल्लाहुल अजीज। तो नंबर वन पॉइंट है, एग्जाम किसको देना अभी तक के लिए लाजिमी यानी जरूरी है। सो एग्जाम उन कैटेगरी को फिलहाल देना जरूरी है। नंबर वन डॉक्टर्स, नंबर टू इंजीनियर्स, नंबर थ्री अकाउंटेंट्स लाइक दैट, नंबर फोर टेक्नीशियन एंड नंबर फाइव पैरामेडिकल स्टाफ, सो एटसेट्रा। सो इसके रिगार्डिंग हमने पहले वीडियो में बताए थे कि अकाउंटेंट्स का जो एग्जाम है वो फिलहाल कुछ साल पहले से स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग ये बात नहीं जानते थे कि फिलहाल अभी सोशल मीडिया में ये बात चल रहा है, इसलिए आप लोगों को ये मालूम पड़ रहा है। तो हम लोगों को ये पता नहीं था कि हम लोग वर्कर लोग यानी लेबर लोग काम करेंगे सऊदी अरब के अंदर आके और एग्जाम भी देना पड़ेगा। लाइक दैट ऐसे परदेशी भाई है हमारा कि ठप्पा लगा के आया है अपना मुल्क में, अपना देश में, और यहाँ आके भी ठप्पा लगाया और किसी को अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नेचर भी किया। सो उसको कैसे मालूम होगा कि उसको एग्जाम देना है? सो वेरी इजी एंड सिंपल तरीका से हम समझाएंगे कि आपको किस तरह चेक करना है पहले कि आप एलिजिबल है कि नहीं, यानी आपका जो इकामा नंबर है उस इकामा नंबर जब आप कीवा पोर्टल में यानी वेबसाइट में sbp.kiwa.sa में जाएंगे और इकामा नंबर डायल करेंगे यानी डालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे तो आपको बता देगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हम फुल प्रोसेस बताएंगे इंशाल्लाहुल अजीज, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ इंशाल्लाहुल अजीज। सो आप देखना जिग्रा टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स इंशाल्लाह लाइव प्रूफ के साथ देखने के लिए। सो दोस्तों, हयात बाकी तो मुलाकात बाकी, हम लोगों का टाइम उतना नहीं मिलता कि हम लोग डेली वीडियो दूसरे यूट्यूबर के साथ अपलोड करें। सो आप लोग तो मालूम है हम लोग लाइव प्रूफ के अलावा नहीं अपलोड वीडियो करते हैं। हालांकि हम लोगों को 5 दिन हो जाए या फिर 10 दिन हो जाए, ये तो सुगूल अमाना है। पहले ड्यूटी का काम करना है फुल कंप्लीटेड, देन आफ्टर दूसरा काम। सो आज का बात हम लोगों को ये नहीं है, आज हम लोग को बात करते हैं कि आप अगर लेबर हैं, आप अगर एक प्रोफेशनल वर्कर है, सो उसके अंदर आपका जो इकामा यहाँ पे मेन है यानी सऊदी अरब के अंदर, उस इकामा पे बात करते हैं हम लोग पहले में। सो इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा पॉइंट देना चाहता हूँ लाइक दैट, कितने टाइप का सऊदी अरब के अंदर इकामा बनता है। सो लाइक दैट इकामा का जो प्रोफेशनल है वो डोमेस्टिक वर्कर इकामा होता है और लेबर क्लास वर्कर यानी इकामा होता है, प्रोफेशनल वर्कर यानी प्रोफेशनल इकामा होता है और डिपेंडेंट इकामा होता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई इकामा होता है और इकामा होता है बिजनेस मैन इकामा होता है और लास्ट में स्पेशल प्रिविलेज और ग्रीन कार्ड मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिलहाल जो अभी एक वाकया हुआ कि जो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट इस हुकूमा को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो आपके अंदर अगर कोई सा भी यानी एक्सपीरियंस है, आप उसमें माहिर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर गवर्नमेंट को अच्छा लगे कि हाँ ये फ़ायदा हो सकता है या फिर दे सकता है, तो उसको आप जो इकामा के लिए फीस देना पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह वो सऊदी हो जाएगा, हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एग्ज़ाम कैसे देना पड़ेगा और एग्ज़ाम के लिए क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह का क्वेश्चन होगा, क्या क्या पूछने जाएगा, कितना क्वेश्चन है और कितना टाइम मिलेगा और किस तरह करना है, प्रैक्टिकल भी होगा, उसके लिए कितना नंबर देना देगा, सब कुछ हम बताएंगे इंशाल्लाहुल अजीज। सो दोस्तों, बने रहिए सबर के साथ, देखते रहिए, और अगर हमारा चैनल पे नए हैं तो इंशाल्लाह सब्सक्राइब तो बनता है बॉस, क्योंकि इतना मेहनत करके हम वीडियो लाते रहते हैं। तो इसी तरह और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह बने रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, आपको जानकारी अच्छा लगा तो, और
दोस्तों का शेयर करके करने के साथ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है बॉस, और अगर पुराना है तो अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, अल्लाह यहदीक अलआफिया। सो हम बात कर रहे थे कि हमको ये जो सऊदी प्रोफेशनल वर्कर एग्जाम के तहत किस तरह चेक करना है। सो अब हम जाएंगे मोबाइल का डिस्प्ले में, यानी स्क्रीन पे दिखाएंगे। सो दोस्तों हम आ गए हैं मोबाइल का डिस्प्ले में, और अपना जो ब्राउचर आप पसंद करते हैं आप वो खोल लेंगे। सो हम गूगल क्रोम को पसंद करते हैं, हम लोग गूगल क्रोम को खोलेंगे। खोलने के बाद देखिए दोस्तों ये जो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन प्रोग्राम में आएंगे। किस तरह आना है हम लोग फिर दिखाते हैं। ये है गूगल क्रोम, ठीक है ना दोस्तों, ये है गूगल क्रोम। इसमें जाएंगे, सर्च में लिखेंगे sbp.kiwa। ये देखिए दोस्तों sbp.kiwa.es, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर इस तरह आता है अरबिक, यानी इस तरह आता है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन है तो हम लोग यहाँ से ही इंग्लिश कर लेते हैं। आपको सीधा यहाँ पे क्लिक करना है 3 डॉट के ऊपर। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है रजिस्टर्ड नाउ और एक वेरिफिकेशन। सो यहाँ पे आप इंग्लिश कर लेंगे इस तरह जो हम लोग करते हैं। ये देखिए दोस्तों इंग्लिश हो गया, इसी तरह आके करेंगे तो यहाँ पे चेक में क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों एलिजिबिलिटी ऑफ वर्कर, एलिजिबिलिटी ऑफ कंपनी, ये आपका कंपनी करेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये वर्कर का जो है एलिजिबिलिटी, ये आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा इस तरह जो हम लोग किए हैं, देखिए दोस्तों। ओके, उसके बाद यहाँ पे सर्च विथ, ये जो एरो है, यानी यहीं पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आएगा। 51 नंबर, पासपोर्ट नंबर फॉर इंटरनेशनल लेबर ओनली। सो 51 नंबर पे आप क्लिक करेंगे। 51 नंबर पे जब आप क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको 51 नंबर डाल देना पड़ेगा। तो हम हमारा 51 नंबर डाल लेते हैं, आप अपना 51 नंबर डाल लीजिए या फिर दोस्तों का डालने के बाद देखिए दोस्तों ये आई एम नॉट ए रोबोट यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप हो गया ओके, चेक में क्लिक कर देंगे। सो देखिए दोस्तों यहाँ पे बता रहे नो डाटा अवेलेबल। सो देखिए दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपका जो डाटा है वो कंपनी ने अपलोड नहीं किया है। अगर अपलोड कर देगा तो कुछ भी दिखाएगा, किस तरह हमने वो फुल बता दिए हैं, या आप अगर रिक्वायर्ड है तो आपको बता देगा दिस नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम, ठीक है ना दोस्तों। और अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो बता देगा कि आप लोग जो एग्ज़ाम पास है कि फेल है, ठीक है ना दोस्तों। अगर पास हो गए तो इस तरह दिखाएगा, फेल हो गया तो इस तरह दिखाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, हयात बाकी तो मुलाकात बाकी, चलते हैं फिर। मोबाइल का डिस्प्ले में दिखाने के बाद फिर आ गए हैं ये जानकारी लेने के लिए कि आपके अंदर जो डाउट होगा, आपके अंदर जो क्वेश्चन होगा, आपके अंदर जो डाउट वाला क्वेश्चन पैदा होगा उसके रिगार्डिंग हम आंसर देंगे। इसके अलावा हम ये बोलने के बाद आपका अगर कुछ भी मालूम जानना चाहते हैं तो इंशाल्लाह बेशक कमेंट करिए। लाइक दैट आप कौन सा प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, चाहे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह वगैरह इन एक्सेट्रा, तो आप उस प्लेटफॉर्म को लिखेंगे या साथ में लिखेंगे कि मेरा ये प्रॉब्लम है। सो इंशाल्लाह 2-4 घंटों के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई दिया जा सकता है इंशाल्लाह। सो पॉइंट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि चेक करने के बाद जब आप चेक करते हैं, चेक करने के बाद वहाँ पे दिखाता है डाटा नो अवेलेबल लाइक दैट। आप अगर आप 51 नंबर इंटर करेंगे और सर्च करेंगे, चेक करेंगे तो दिखाता है क्या कि नो डाटा अवेलेबल। ये क्या, ये क्यों दिखाता है? इसका आंसर यही होता है कि देखिए दोस्तों ये मान लीजिए आप कंपनी के थ्रू यानी कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो कंपनी के अंदर आप अकेला नहीं काम कर रहे हैं, हजारों बंदा काम करते हैं, तो उन लोगों का डाटा जो है वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं सपोर्ट किया यानी नहीं इंटर किया, इसलिए आपका डाटा नहीं दिखा रहा है। तो अगर कंपनी आपका डाटा को अपलोड कर देगा sbp.kiwa.se में, तो आप अगर 51 नंबर डायल करेंगे तो आपको ये दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ऑक्यूपेशन एमेल आईडी नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द एग्जाम येट। अगर आप इस एग्ज़ाम देने के मतलब प्रोफेशन के अंदर रिक्वायर्ड है तो आपको बता देगा कि हाँ आपको एग्ज़ाम देना जरूरी है यानी लाजिमी है। फिलहाल हाई प्रोफेशनल के अंदर है, उसी का अभी एग्ज़ाम स्टार्ट किया, तो इंशाल्लाह फुल मालूमात के साथ हम आगे तक बोलेंगे कि क्या क्या सबको इंशाल्लाह देना जरूरी पड़ सकता है। फिलहाल कोई नहीं आया, और ऐसा भी नहीं है कि आपको जो एग्ज़ाम है लाइक दैट जो एग्ज़ाम होगा मल्टीपल क्वेश्चन, इंशाल्लाह जिसके पास दिमाग होगा वो तो इंशाल्लाह वो पास हो जाएगा, इंशाल्लाह हम दुआ भी करेंगे। सो अगर फर्स्ट चांस में पास नहीं होते हैं तो इंशाल्लाह सेकंड चांस मिलेगा। तो अगर आप एलिजिबल है तो वो बता देगा कि आप एलिजिबल है।
अगर आप एग्जाम कंप्लीट कर देते हैं तो क्या दिखाएगा? अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपको द लेबर पास द एग्जाम इन ऑक्यूपेशन, यानी आप अगर एग्जाम देते हैं और मान लीजिए कि एग्जाम में आप पास हुए कि फेल हुए जानना चाहते हैं, तो एक नंबर एंटर करेंगे, चेक करेंगे तो आपको बता देगा यहाँ द लेबर पास द एग्जाम इन ऑक्यूपेशन। खलास, दूसरी चीज यह है कि अगर आपका रिजल्ट पास नहीं होता है तो वो भी बता देगा, हम यहाँ पे स्लाइड में कर देंगे कि आपका जो एग्जाम है द लेबर डिड नॉट पास द एग्जाम इन ऑक्यूपेशन। सो हम लोगों का लैंग्वेज जो है बोलने में गलती होता है, तो छोटे भाई समझ करके या फिर कोई भी भाई दोस्त यार समझ करके सॉरी माफ़ कर दीजिए। सो हमारा वीडियो ये जानकारी कैसा लगा? आप अगर सेटिस्फाइड हैं तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करिए, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि हमें पता चले कि आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगता है कौन सा चीज़ अच्छा नहीं लगता है। सो हमारा वीडियो बड़ा होता है तो हम लोग माफ़ी चाहते हैं कि हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा होता है। सो आप लोगों का जानकारी के लिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। सो इंशाल्लाहुल्अज़ीज हायत बाकी, तो मुलाकात बाकी, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह यहदीकल आफिया। Assalamu alaikum wa rahmatullah. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be watching Jigra Tech, science and technology related tips and tricks.